तो हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू माय एनमोशन यूट्यूब चैनल तो हम आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को एडोप प्रीमियर प्रो में बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट्स क्रिएट करना बताएंगे कैसे आप लोग इस इफेक्ट्स को आप लोग एडोप प्रीमियम प्रो में क्रिएट कर सकते हैं आज की वीडियो में हम यही बताएंगे आइयो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग एडोप प्रियम प्रो में तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे अपने डोबी प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिए हैं एडोबी प्रीमियम प्रो को ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट में जिस क्लिप्स पे इस इफेक्ट्स को अप्लाई करना है उसको इंपोर्ट कर लेना है इंपोर्ट करने के बाद अपने टाइमलाइन के ऊपर उस क्लिप्स को यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे तो देखिए हम यहाँ पे ये क्लिप्स है हमारे पास इसको हमने ड्रैग करके कर कर रखा हुआ अपने टाइम के ऊपर इसी क्लिप्स के ऊपर हमको यहाँ पे बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट्स को अप्लाई करना तो हैं हैं पे है तो देखेंगे यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट मूव हो रहे हैं और ये ऊपर एफिल टावर है तो इसको हमको यहाँ पे एक एक करके रिमूव करना होगा हमको यहाँ पे ये जो फिल टावर है फर्स्ट पार्ट इसको हम बनाएंगे सेकंड पार्ट इसको करेंगे और थर्ड पार्ट इसको करेंगे तो हमको यहाँ पे सबसे पहले इसको इमेज में चेंज करना होगा तो हम अपने सी को लेकर आएंगे जीरो फ्रेम पर यहाँ आने के बाद हमको आना है यहाँ पर ये देखिए एक्सपोर्ट फ्रेम अगर आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहा होगा तो आपको इस प्लस पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद पोके कर देंगे तो हमको यहाँ पर, पर ये जो एक्सपोर्ट फ्रेम है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है नेम तो देखिए यहाँ पर जो एप्पल टावर है सबसे पहले हमको यहाँ से इसको पूरे यहाँ से बैकग्राउंड से हमको रिमूव कर लेना है तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले इस पर क्लिक करेंगे इसको हम रखेंगे रिनेम में क्लीन बैकग्राउंड क्लीन बे कर देते हैं और उसके बाद फॉर्मेट में रखेंगे हम पी और ये इम्पोर्ट इंटू प्रोजेक्ट हम रखेंगे चेक यहाँ पर अगर आप अनचेक होगा इसको तो आपको यहाँ से चेक कर देना है इसके बाद ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये आपकी क्लिप जो है एक पी में चेंज होकर यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुकी है आपके प्रोजेक्ट में इसके बाद फिर से हमको यहाँ पर तीन और यहाँ पे एक्सपोर्ट फ्रेम करने था हम यहाँ पे फिर से दोबारा क्लिक करेंगे इसको रीनेम कर देंगे वन इसके बाद ओके करेंगे फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको कर देंगे टू और फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पर इसको कर देंगे जीरो थ्री इस तरीके से हम रीनेम कर लेंगे अब हमको यहाँ पे जो हमने क्लीन बीजी लिखा हुआ अपने जो पीएनजी फाइल को इसको हमको यहाँ पे रख देना अपने टाइमलाइन के ऊपर यहाँ रखने के बाद अब हम फर्स्ट वाली पीएनजी को यहाँ ले पे लेकर आएंगे और सेकंड पीएनजी एन जी को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और इसको थोड़ा नीचे ले कर आएंगे हम और फोर्थ नंबर जो पी है इसको यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से हम ट्रैक कर लेंगे और ये जो चारों है इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले राइट क्लिक करेंगे लेवल में आएंगे और यहाँ से जो भी आपको कलर करना कर सकते हैं तब हम यहाँ पे इसकोरेक्ट कर देंगे चेंज करने के बाद हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अब जूम करने को देखिए हमको ये जो ऊपर वाली जो तीनों टाइमलाइन है यहाँ से इसको बंद कर देंगे हम अनचेक करेंगे अब हम इसको सेलेक्ट करके रखेंगे अब राइट क्लिक करेंगे हम एडिट इन फोटोशॉप में हमें जाना है यहाँ से हम फोटोशॉप ओपन करेंगे फोटोशॉप ओपन हो गया हमारा अब हमको यहाँ से एफिल टावर जो है इसको रिमूव करना है तो हमको यहाँ पे पेन टूल लेना है टूल से इसका सिलेक्शन बना लेंगे इस तरीके से सिलेक्शन बना लेंगे पूरे हम एफिल टावर का आपको अच्छी तरीके से बनाना है हम थोड़ा फास्ट बनाएंगे इस तरीके से सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर हम फेदर में डाल देंगे वन पॉइंट जीरो इंटर अब इसके बाद हम आएंगे एडिट में और यहाँ से फिल्म में हमको आना है फिल में आने के बाद हमको यहाँ पर कंटेंट वगैरह रखेंगे और इसके बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद यहाँ से फिल्ड आउट देखेंगे रिमूव हो गया अब कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लेंगे अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर सही कर लेंगे हम पाइज टूल से या हेलिंग ब्रश से तो यहाँ से हेलिंग ब्रश से हम इसको सही कर लेते हैं पहले इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से यहाँ से रिमूव कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से रिमूव करने के बाद अब हमको इसको सेव कर देना है सेव कर देंगे कंट्रोल एस से आप लोग मैक में कमांड एस से सेव करेंगे इसके बाद हम आएँगे फिर से प्रीमियर प्रो में देखिए यहाँ पे एफिल टावर जो है रिमूव हो चुका है और फिर से हमको अब ये जो फर्स्ट पी एन जी हमारी है इसको यहाँ से चेक करेंगे इसको चेक करने के बाद फिर से हमको राइट क्लिक करना है इस पर और फिर से हमको आना है एडिट इन एडोप फोटोशॉप इसमें आने के बाद हमको अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका यहाँ से हमको इसको रिमूव यानी कि मास्किंग करना है तो हम यहाँ पर फिर से पेन टूल लेंगे और यहाँ से हम इसका सिलेक्शन बनाएंगे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका सिलेक्शन बनाना होगा आप लोगों को हम यहाँ पर सलेक्शन बना लेते हैं अच्छे तरीके से अब इसके बाद हमको यहाँ पे आके इसमें ऐड कर देना है ऐड करने के बाद राइट क्लिक करेंगे मैक सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद हमको आना है लेयर में और यहाँ से मास्क पर हम क्लिक कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा मास्क क्रिएट हो चुका है इसके बाद कमांड एस प्रेस करेंगे मैक में और विंडोज के लिए आप लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल एस इसको सेव कर देंगे सेव करने के बाद हम आएंगे फिर से प्रीमियम प्रो में तो देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये इफेक्ट आ चुका है अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पे इसको लेकर आएंगे अब सेकंड पीएनजी को हम यहाँ से चेक करेंगे चेक करने के बाद फिर से हमको राइट क्लिक करना है सेकेंड वाले टाइमलाइन पे एडिट इन फोटोशॉप में आना है हमें अब हमको ये जो बीच वाला पार्ट है इसको यहाँ से मास्किंग करना है तो हम जूम करके इसको भी इस तरीके से इसको रिमूव यानी कि मास्किंग करेंगे तो क्लिक करेंगे और तो इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें ऐड करने के बाद राइट क्लिक करेंगे मेक सिलेक्शन करेंगे ओके करेंगे और फिर से हमको आना है लेयर में मास्क कर देंगे मास्क करने के बाद इस तरीके से यहाँ आउटपुट आ चुका है हमारा फिर कमांड एस प्रेस करेंगे और विंडोज़ के लिए आप लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल एस इसके बाद इसको सेव कर लेंगे सेव करने के बाद फिर से हमको आना है प्रीमियर प्रो में अब हम यहाँ से सबसे लास्ट वाली पी है इसको चेक करेंगे अब यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे एडिट इन फोटोशॉप में जाना है अब हमको जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मास्किंग करना है तो हम यहाँ से इसको ज्यूम कर लेंगे इसका सिलेक्शन बनाएंगे अच्छे तरीके से इसका सिलेक्शन बनाएगा आपको अब इसके बाद हमको यहाँ पे इसमें ऐड कर देना है ऐड करने के बाद राइट क्लिक करेंगे मेक सिलेक्शन पाएंगे वन का फेदर देंगे इसके बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद फिर से हमको आना है लेयर में यहाँ से हम मास्किंग कर देंगे अभी अभी हमारा पार्ट जो है रिमूव हो चुका है इस तरीके से अब हमको इसको सेव कर लेना है तो हम कमांड एक्सप्रेस करेंगे और कंट्रोल एक्सप्रेस करेंगे विंडोज़ के लिए तब हम इसको सेव करने के बाद आएंगे फिर से प्रीमियर प्रो में प्रीमियर प्रो में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे अपने इफेक्ट्स को तो यहाँ से जो ट्रगल ट्रगर ये आउटपुट है इसको हम यहाँ से एक एक को बंद करके देख लेते हैं तो देखेंगे इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ चुका है हमको यहाँ पर तीनों को इन्वेशन करना है तो इसके लिए पहले हम दोनों को इसको बंद कर लेंगे ऊपर वाले को सेकेंड वाले को बंद कर लेंगे इसको बंद करने के बाद जो पी एन है टाइमलाइन हमको पहले इसको इन्वैसन करना है तो हम आएंगे पहले राइट साइड में इसेंशियल को चेंज कर देना हमें एडिटिंग में आ जाएंगे हम एडिटिंग में आने के बाद हमको यहाँ पर सर्च करना है इफेक्ट्स में ट्रांसफार्म तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ट्रांसफार्म तो ये ट्रांसफार्म इसको हम ड्रैग करके पी एन जी वन पर लेकर आएंगे यहाँ आने के बाद हमको ऊपर देखते हैं ये इफेक्ट्स कंट्रोल में हम आएँगे तो ये है ट्रांसफार्म अब ट्रांसफार्म में हमको इसके पोजिशन को ही चेंज करना है तो ये जो हमारा ये एफिल टावर को जो नीचे वाला पार्ट से इसको हमको नीचे से ऊपर लेकर जाना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे पोजीशन को चेंज करना है तो हम यहाँ पे पोजीशन का जो टॉगल एनिमेशन है इसको चेक करेंगे और ये जो सी टी आई है हमारा बिल्कुल जीरो फ्रेम पर आना चाहिए इसके बाद हम इसको चेक करेंगे इसको चेक करने के बाद ये जो वाई पोजीसन हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से हम इसको ड्रै करके देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे यहाँ पर लेकर आने के बाद अब हम अपने सी टी आई को लेकर आएंगे फिफ्टीन फ्रेम नेक्स्ट हमको आना है यहाँ फिफ्टीन फ्रेम पर तो इसको हम लेकर आ जाएंगे फिफ्टीन फ्रेम पर फिफ्टीन फ्रेम पर आने के बाद अब ये जो रिसेट पैरामीटर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देखेंगे हमारा इस टाइप से एनिमेशन ये क्रिएट हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पे अब हमको यहाँ पे दोनों को ईज इन और ईज आउट करना है तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके और यहाँ से ईज आउट करेंगे इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे इस टेम्पोरल इंटरपोलेशन में आएंगे इसको कर देंगे हम ईज इन इसके बाद हम यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे और इसको हम पकड़ के इस तरीके से ड्रैक कर देंगे अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से हमारा ये एनिमेशन क्रिएट हो गया अब बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या देख सकते हैं जो ए फिल्टर जो ये जो एफिल्टर का जो पार्ट्स है ये सब्जेक्ट के ऊपर से आ रहा है तो हमको यहाँ पर इसकी मास्किंग करना होगा तो हम आएँगे ओपेसिटी में और पेन टूल सेलेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर इस तरीके से मास्किंग कर देना है इस तरीके से हम मास्किंग कर देंगे मास्किंग करने के बाद अब हम इसको प्ले करेंगे यहाँ से तो देखेंगे अब बिल्कुल ये अंदर से हमारा ये फिल्टर का पार्ट्स जो आएगा देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से अब हमको यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट्स से है इसको एनिमेशन करना है तो हम सेकेंड पार्ट्स को यहाँ पे चेक करेंगे और ये जो इसका जो टू नंबर पी है इसको हमको फिफ्टीन फ्रेम पर लेकर आना है ड्राई करके फिफ्टीन फ्रेम पर लेकर आ जाएंगे तो हम अपने कर्सर को रखेंगे फिफ्टीन फ्रेम पर और इसके बाद हम इसको ड्राई करके फिफ्टीन फ्रेम पर रखेंगे यहाँ रखने के बाद हम फिर से इसमें ट्रांसफार्म इफेक्ट्स ऐड करेंगे यहाँ इसको ऐड करने के बाद फिर से हम आएँगे इफेक्ट्स कंट्रोल में और पोजीशन का जो टबल एनिमेशन है इसको हम यहाँ से चेक करेंगे और फिर इसको हम लेकर आएंगे नीचे यहाँ पर यहाँ आने के बाद फिर से हम नेक्स्ट फिफ्टीन फ्रेम आएंगे तो यानी कि थर्टीन फ्रेम पे तो हम इसको लेकर आ जाएंगे थर्टीन फ्रेम पे यहाँ पर और फिर से हमको रीसेट पैरामीटर पर क्लिक कर देना है और फिर से हमको इसको इज इन इज आउट कर लेना है इस इन, कर लेना, अपने टॉगल को तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे टेम्पोरल इंटरपोलेशन में आना है इज आउट करेंगे इस पर क्लिक करेंगे टेम्पोरल इंटरपोलेशन में इज इन करेंगे इसके बाद हम यहाँ से एरो की पाएंगे इसको भी हम यहाँ से ड्रैग करके इस तरीके से स्मूथ अपने एनिमेशन कर लेंगे अब इसको हम प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से एनिमेशन क्रिएट हो गया अब इसको भी हमको मास्किंग करना है तो हम अपने सिटी को रखेंगे यहाँ पर फिफ्टीन फ्रेम पर वो पे सिटी में हम आएँगे पेंट लेंगे और इसको भी हम यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से मास्किंग कर देंगे इसको भी अब हम इसको प्ले करेंगे देखेंगे इस टाइप से ये एनिमेशन हमारा क्रिएट हो गया अब फिर से हमको यहाँ से आना है 15 फ्रेम नेक्स्ट तो एरोकी से आएँगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन फ्रेम आ जाएंगे हम अब फिफ्टीन फ्रेम आने के बाद पी एन वाली जो टाइम लाइन है इसको हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पर यहाँ आने के बाद इसके जो टोवल ट्रैकर आउटपुट इसको चेक करेंगे और इसको भी हमको इनमेट करना तो फिर से हम ट्रांसफार्म नोट को इस पर ड्रैक करेंगे इस पर ड्रैक करने के बाद फिर से हम आएंगे पोजीशन में जो ट्रांसफार्म का पोजीशन है इसका ट्रोवल को चेक करेंगे और फिर से हम इसको लेकर आएंगे नीचे यहाँ पर इस तरीके से और फिर हमको नेक्स्ट फिफ्टीन फ्रेम आना है तो एरो से आ जाएँगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन फिफ्टीन फ्रेम आने के बाद फिर से हम रिसेट पैरामीटर कर देंगे अब फिर हम यहां से हमको यहाँ से जूम करना है और इस पर राइट क्लिक करेंगे टेम्पोरल इंटरपोलेशन में आएंगे इज आउट करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे टेम्पोरल इंटरपोलेशन में आएंगे इज इन करेंगे और इसको भी हमको स्मूथ कर लेना है तो हम एरो की पाएंगे और यहाँ से इसको स्मूथ कर देंगे स्मूथ कर देंगे अब प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से भी से हमारा क्रिएट हो चुका है इसको भी हम मास्किंग करेंगे तो हम फिर से पेन टूल लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम मास्किंग कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे अटैच करने के बाद हम प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से ये हमारा ये इनमेसन यानी कि बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट्स क्रिएट हो चुका है अब हमको अब देखेंगे ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल यहाँ पे मूवमेंट नहीं है तो इसको भी हमको मास्किंग करना होगा फिर से तो हमको यहाँ पे ये जो क्लीन बीजी है इस पर आएंगे और पूरे जो एफिल टावर है इसको हमको यहाँ पे सिलेक्शन करना हो यानी कि मास्किंग करना हो तो हम यहाँ से फिर से पेन टूल लेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे पूरे एफिल टावर का और इस तरीके से हम इसको मास्किंग करके अटैच कर देंगे अब हम इसको यहाँ पर प्ले करेंगे तो देखेंगे सारी चीज़ें मूवमेंट हो गई हैं अब हमको यहाँ पे स्टॉप करना है उसके बाद तीनों जो ये हमारी टाइम लाइन है इसको नेक्स्ट करना है तो हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद ओके करेंगे अब इसके बाद हमको आना है यहाँ पे एडिटिंग से इसको चेंज कर देना है एसेंशियल्स और हम यहाँ से ये यह जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स है आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्सन बाक से डाउनलोड कर सकते हैं अब ये जो नेक्स्ट सिक्यूंस टाइमलाइन है इसको हम ड्राई करेंगे ऊपर और इसको हम ले कराएँगे इसके नीचे इसके नीचे रख देंगे हम और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को हमको रिमूव करना है तो हमको इफेक्ट्स में सर्च करना है अल्ट्रा की अल्ट्रा की अल्ट्रा की है इसको हम ड्रैग करके लेकर आएंगे अपने ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स पे इसके बाद हम आएंगे इफेक्ट कंट्रोल में यहाँ से ड्रॉप आउट टूल लेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे रिमूव करने के बाद हम प्ले करेंगे देखेंगे तो अभी देखेंगे यहाँ पर जो व्हाइट व्हाइट यहाँ पर दिख रहा है और जो स्टोन है थोड़ा सा बड़े दिख रहे हैं तो हमको आना है फिर से फेस्ट कंट्रोल में स्केल को हमको कर देना है सेवेंटी और इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर आएँगे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे यहाँ पर और हमको इसको मास्किंग से रिमूव करना है तो हम यहाँ पे फिर से पेन टूल लेंगे और हमको अच्छे तरीके से यहाँ पे मास्किंग करना है फिर से इस तरीके से हम मास्किंग कर लेंगे पूरे एफिल टावर का और इसमें ऐड कर देंगे ऐड करने के बाद तो हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट हुए अब हम इसको फुल में आप लोगों को दिखाते हैं तो इस तरीके से आप लोग इस इफेक्ट्स को एडोबी प्रीमियम में आप लोग बना सकते हैं तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें साथ में कमेंट करना ना भूलें तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद